देखो बेटा, 35 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सर ने बनाया है, एससी वर्मा सर ने। कहा है कि ये बालक है, बहुत बदमाश है, ये क्या कर रहा है? यहाँ से नीचे से पेन दिख रहा है आपको, लाल लाल, यहाँ से चढ़ता है, यहाँ पहुँचता है और फिर ये स्लाइड मार देता है 10 मीटर की। तो जाहिर सी बात है, ये जो हाइट चढ़ रहा है वो 8 मीटर की है, जो स्लाइड पे घिस रहा है अपने को वो 10 मीटर की है। अब क्या दिसबूत नहीं है, फ्रिक्शन है, कष्ट होगा बच्चे को। ठीक, ये जो लड़का है, जो इसका वेट है, यानी कि आप कहेंगे सर जो एमजी है, वो सर ने 200 न्यूटन का दे रखा है। ये देखिए, बाकी हाइट आपको 8 मीटर की दिखी रही है, उस लाइट की जो लेंथ है वो 10 मीटर दिख रही थी, जैसे पिछले सवाल में देखा था। वैसे भी तो आप सवाल पढ़ के ही आते हैं, हमको सर्च ही करते हुए आते हैं। अब देखिए, पहला पहला काम फटाफट क्या काम करते हैं। ठीक, हाँ, फ्रिक्शन भी है, हमने बताया था ना, ये फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कितना है, इधर ही लिख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है 3/10, देखो 3/10 ऑफ वेट। वेट कितने न्यूटन का है, 200, यानी इसको कर दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स अच्छा खासा 60 न्यूटन का लग रहा है। किधर लगेगा बेटा, जब ये नीचे आएंगे तो इधर लगेगा। पहला काम द वर्क डन ही निकालना है। देखिए, तीनों पार्ट में वर्क डन, वर्क डन और वर्क डन, बस आपको समझना है कि वो कम बखत फोर्स या वो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा जिसकी वजह से वर्क डन होगा ए बी सी पार्ट में। बस उतना समझ लोगे, काम बन जाएगा। समझे, पहले पार्ट में देख दे, कहें वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज इट गोज अप। भैया कह रहे हैं हिंदी में, समझ लीजिए कि सीढ़ी के द्वारा कितना काम किया जाएगा लड़के के ऊपर। अम्मा भैया, सीढ़ी का कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, तो चूंकि सीढ़ी वहीं की वहीं है, सीढ़ी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो सीढ़ी ने कोई काम नहीं किया, लड़के ने जरूर काम किया अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ के। तो वर्क डन बाय द लैडर जो है वो आपका शून्य होगा, यानी जीरो होगा, बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीढ़ी या लैडर। बिकॉज लिख लीजिए तो भूल जाएंगे, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर, यानी सीढ़ी कहीं हिली डुली नहीं, तो भैया उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, भले ही अपना वेट रखे हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे बात, वर्क डन कब निकालना है बेटा, बाई द स्लाइड, यानी ये जो काला काला दिख रहा ना, ये स्लाइड है। ठीक, ऑन द बॉय, इस लड़के के ऊपर। अब देखिए, यहां बड़ी अच्छी बात है, यहां आप कह रहे हैं कि साहब वर्क डन जीरो हुआ। बच्चे ने एक बार हमसे पूछा था, यहां पे भी सीढ़ी नहीं चली, यहां पे भी स्लाइड नहीं चली, तो कैसे आप कहेंगे कि यहां वर्क डन हुआ? यस हुआ, क्योंकि आप देखिए, स्लाइड ने क्या लगाया था, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। और लड़का जो था, बच्चा, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्ले हुआ था, 10 मीटर तक हुआ है, यानी 10 मीटर तक स्लाइड ने अपना फ्रिक्शनल फोर्स इस बच्चे के नेकर के ऊपर लगाया। ठीक, तो आपने कहा ठीक है भाई साहब, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इधर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों के बीच का एंगल देख लीजिए कितना हो गया, एफ इंटू एस कॉस 180, कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, अभी अभी आपने निकाला 60 न्यूटन का गिवन है, जो कि 3/10 था, 3/10 था ऑफ द वेट, एस आपको 10 मीटर चलना था, तो टोटल कितना चले आप, -600 जूल। तीसरा भी वर्क डन निकालना है, बाय द फोर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। तो भाई साहब, इनकी बॉडी का कितना वजन है, एमजी। ठीक, और आप कह रहे हैं कि सर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कि यहां पे से यहां तक आने में जितना एनर्जी में चेंज हुआ है वही इन फॉर्म ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि यहां से चले हैं, ड्रॉप हुए हैं, स्लाइड डाउन ग्राइड, यहां से कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो क्या था, यहां के पास, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब यहां आए हैं, एम आई राइट? अब देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स इन साइड
बॉडी ऑफ द बॉय। बॉडी ऑफ द बॉय का मतलब है कि उसके वेट के द्वारा कितना किया गया। नेट नहीं निकाल रहे, नहीं तो आप कहेंगे साहब यह तो फ्रिक्शन हो जाएगा। एम जी एच कहाँ तक लगा? यहां से यहां तक, यही तो हुआ इसकी बॉडी के द्वारा। अगेंस्ट ग्रेविटी तो वर्क करेगी इसकी बॉडी कि आप यहां से लेकर यहां तक आए थे। एम ए राइट, यहाँ तो टूवर्ड्स ग्रेविटी आए हैं, इसलिए आपको तो माइनस की जरूरत ही नहीं। कहें भाई साहब हमारा जो फोर्स है, जो हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो एम जी लग रहा है, और कितनी हाइट तक लग रहा है? यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो उस समय हाइट आपकी कितनी होगी बेटा? 8 मीटर। तो सी में जो वर्क डन होगा, किस केस में, वो फोर्स कौन सा होगा? उसका वेट एम जी, इनसाइड द बॉडी का जो फोर्स है उसका वेट है, और ये वेट कहाँ से कहाँ तक आया? यहाँ से यहाँ आया जब ये आप पहुँचे, तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में एम जी एच होगा। टूवर्ड्स ग्रेविटी है इसलिए निगेटिव की जरूरत नहीं। ये आपका कितना था? 200 न्यूटन वेट दे के दिया गया है एम जी, और डिस्टेंस आप चले 8 मीटर, तो क्या हो गया बेटा? 1600 जूल। तो बड़ा खूबसूरत सवाल रहा, तीनों जगह आपको वर्क डन निकालना था, एक बार लेडर के द्वारा, एक बार स्लाइड के द्वारा, एक बार खुद इस कमबख्त बच्चे के द्वारा, और तीनों बारीकियों को देखा कि भाई साहब कहीं वेट आपको देखना पड़ रहा था, फोर्स देखना पड़ रहा था, और कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ रहा था।